मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापू दादा बोले, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। तो उत्तर में बाबा ने कहा कि कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए, रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे ही गिरते आते हो, नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है और फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो। एक ही बार चढ़ते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगमयुग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। कितना ऊंच ते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। परंतु सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो कि हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रगुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे, कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे कि हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं, बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ना सके। कोई का पार्टी नहीं, गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है। बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ न सके, गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है।
धंधा आदि भी कोई रॉयल का होता है, कोई कचीची धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है, किसी को शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं कि इन सब धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के भल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। और इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्म पद्म भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो बाबा कहते थे, बिल्कुल ठीक है, हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं, सृष्टि के आधि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं कि हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत फख्र रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है, कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा कि ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं कि बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली ही नहीं है, अब बारी आई है, रथ दिया है ये तो समझते हैं ना, तो ज़रूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लैस ज़रूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं लैस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि ये ड्रामा भी बना हुआ है, या फिर बाद में ख्याल आता है ये तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है, कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुलटा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्रादि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो ज़रूर होनी है। ये तुम समझते हो शांतिधाम सुखधाम पर हमारी विजय है ही, कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है, ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे, बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट धारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है, थैंक्स देने की बात ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ, और कोई बता न सके, जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना, तो इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है, मंत्र ही है यह मन मना भव मध्यजी भव, बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो, जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो कि हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है, चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सकें। यह भी भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है, कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है, विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है, तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो,
हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो जन्म जन्मांतर के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है और फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना, वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं, यह शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आधी मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो कि ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं, भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, भगवान उवाच कि मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ। और कोई शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं, ऊंच ते ऊंच प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। भल स्थापना करने वाले को गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह है जो सदगति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापिस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते ही नहीं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने फिर शिव को शंकर को, शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते हैं। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो कि इनको एडॉप्ट किया है, तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंच ते ऊंच है बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी ये समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। और दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। बाबा ने आज वरदान दिया, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह पब। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ, जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिकार्ड देते हैं उनका रिकार्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिकार्ड देते हैं उनका रिकार्ड सदा ठीक रहता है। ओम शांति।